इसराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्ला को धमकी दी है। इसराइल के सेना प्रमुख ने हिजबुल्ला पर अब तक हुए हमले को सिर्फ ट्रेलर बताया है। देखिए, इज़राइल का साइबर युद्ध चल जाएगा सारा लेबनान। जिसे हाथ लगाएगा हिजबुल्ला वो बन जाएगा बारूदी बम। नेतन्याहू की यूनिट 8200 सबसे बड़ा हमला अब होगा। नेतन्याहू की गिरफ्त में खामनेई का सुपारी किलर। ये युद्ध इजराइल में हमास के नरसंहार से शुरू हुआ था। हमास से इजराइल ने बदला लेना शुरू किया तो बम बारूद के धमाके होने लगे। फिर इसमें ईरान समर्थक हिजबुल्ला और हूती भी शामिल हो गए। इजराइल के दुश्मनों ने रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए। जवाब में इजराइल ने जंगी जेट के साथ फाइटर ड्रोन भी इस्तेमाल किए। लेकिन पारंपरिक हथियारों से शुरू हुआ युद्ध अब सबसे भयानक और भीषण हथियारों के दौर में पहुंच गया है। यह आधुनिक दौर का सबसे भयानक और भीषण साइबर वॉर है, जिसमें हिजबुल्ला लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं, वो भी बिना सीधे हमले के। इजराइल सेना की यूनिट नंबर 8200 ने ये बारूदी बिसात बिछाई, जिससे हिजबुल्ला, हमास और हूती ही नहीं, ईरान की भी हेक कर दी। इजराइल के हमले की धार देखिए, ताबड़तोड़ और अंधाधुंध अटैक का तूफान आया हुआ है। पेजर बम धमाके में मारे गए हिजबुल्ला कमांडर के जनाजे का ये दृश्य देखिए। अपने लड़के का मातम मना रहे नसरुल्ला के फाइटर्स को अंदाजा भी नहीं था। इस जनाजे में भी डेथ ट्रैप बिछाया गया। एम्बुलेंस के करीब भारी भीड़ के बीच जब ब्लास्ट हुआ तो तहलका मच गया। इजराइल ने 3 दिन में 3 डिवाइस के इस्तेमाल से हिजबुल्ला लड़ाकों को मौत पाटी। लेबनान में 3 दिन में धमाकों के 3 तरीके। पहला हमला मंगलवार 17 सितंबर को करीब 3000 पेजर में ब्लास्ट से हुआ, जिसमें हिजबुल्ला के 12 लड़ाके हलाक हुए और करीब 3000 घायल हुए। दूसरा हमला बुधवार 18 सितंबर को हिजबुल्ला फाइटर्स के वॉकी टॉकी में धमाकों के साथ हुआ। इसमें नसरल्ला ब्रिगेड के 20 फाइटर्स मारे गए और करीब 450 घायल हुए। लेबनान में तीसरा हमला गुरुवार 19 सितंबर को सोलर सिस्टम में धमाके के साथ शुरू हुआ है, जिसमें 6 के घायल होने की जानकारी है। हिजबुल्ला फाइटर बैटरी से चलने वाली जिस भी डिवाइस को छू रहे हैं वो जोरदार धमाके से उनके चीथड़े उड़ा दे रही है। डिवाइस ब्लास्ट से बचने वाले हिजबुल्ला फाइटर्स को नेतन्याहू के आसमानी योद्धा मिट्टी में मिला रहे हैं। بخصوص موضوع الشهداء نحن اخر رقم عند وزارة الصحة بخصوص الشهداء اللي سقطوا باعتداءات البارحة كانت 25 شهيد. نحن حتى الان في عنا 25 شهيد. الرقم اللي كنا اصدرناه امبارح بالليل اخر واحد كان 20، نحن الرقم اللي هلا عنا 25 شهيد. इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के 6 शहरों में बारूदी जलजला ला दिया है। इजराइल एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के चिहने, तैबे, बिलिडा, मीसल जबल, एतरॉन और कफरकेला इलाके को धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल के आर्मी चीफ ने दावा किया है कि हिजबुल्ला पर हमले का ये सिर्फ ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स हिजबुल्ला और नसरल्ला के खात्मे से शुरू होगा। ईरान समर्थित जितने भी फाइटर ग्रुप हैं, इसराइल उन सब से गिन गिन कर बदला लेने के लिए तैयार है। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने यह भी दावा किया है कि इजरायली हमले के कई खौफनाक तरीके अब भी आजमाए जाने बाकी हैं। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה
לאורך כל המלחמה, נלחמים בעזה שתי מטרות מרכזיות, יש עוד. פירוק החמאס, השבת החטופים. और बहराइश में लोग भेड़िए के आतंक से दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने गाना गाकर अपना दर्द बयान किया है। इन लोगों ने भेड़िए के आतंक को लेकर अपना दर्द बयान किया और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें, महसी इलाके में पिछले 200 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी है। संझा हुआ बहुत डर ला गए, घर भर रात रात भर जा गए, भैया रात रात भर जा गए, भौजी रात रात भर जा गए, सरकार करो प्रबंध, जिला बहराइच में। और संभल में लड़की की हत्या के केस में एक नया मोड़ आ चुका है। अभी तक पुलिस की जांच में नामजद दोनों आरोपी बेकसूर निकले हैं। पुलिस दूसरे पहलुओं से भी जांच पड़ताल कर रखी है। और कैला देवी थाना इलाके में लड़की की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लड़की के परिजनों ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद केस दर्ज कराया था। उनके रिश्तेदार द्वारा तहरीर दी गई, उसमें दो अभियुक्तों को नामजद किया गया था। उन दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद में उनके अलबाई भी कंफर्म किए गए हैं। उसके आधार पर उन अभियुक्तों का घटना में ना होए जाना अभी तक के तथ्यों के आधार पर पाया जा रहा है। और फिर भी इस मामले की विभिन्न एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ताकि जो अक्यूज हैं उन तक पुलिस शीघ्र ही पहुँच सके। इसके लिए CCTV के लिए 3 टीमें गठित की गई है।